हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक? तो आज हम बनाएंगे डिनर में कढ़ाई पनीर। आप कैसे बनाते हो और मैं कैसे बनाती हूँ आप देख सकते हो। आप अलग से बनाते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी और आपकी रेसिपी में क्या अंतर है ना। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो हमने ये कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, इसको हम गर्म होने देते हैं थोड़ी देर। ये कढ़ाई पनीर के लिए हमने देखो ऐसे से चॉप कर लिया, मतलब इनको प्याज और ये शिमला मिर्च है और ये हमने ऐसे प्याज काट लिए। तो हम इसको पहले फ्राई करेंगे, फिर इसको जाके ग्राइंड करेंगे, मतलब मिक्सी में पीसेंगे प्याज और टमाटर को। और ये हम ऐसे करके रख लेंगे चॉप, इसी में हम टमाटर काट लेंगे। फिर हमारा गर्म होगा और इसमें ऑनियन और ये प्याज को कैसे डालेंगे। इसी में हम टमाटर डाल देंगे, इसी ग्रेवी डाल दिया। मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, कभी ब्राउन ब्राउन कर देंगे। ये हमारे प्याज और टमाटर और इसको ग्राइंड करने के लिए मिक्सी के काम में डालेंगे। अब जब तक हम इसको ठंडा होने देते हैं, इसमें और तेल डाल देते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं प्याज पर। ये प्याज और काट दिया ना शिमला मिर्च, इनको फ्राई करते हैं। देर तक फ्राई करेंगे जब तक पूरे मतलब पके तो रहे हैं। ये देखिए इधर हो गया, इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से धोएंगे हमारे टमाटर को, ना भी करना और इसमें डालेंगे। अब इसमें हम तेल डालेंगे, फिर से इसी में पनीर को फ्राई करें। पनीर को डाल देंगे, इसके बाद में थोड़ी थोड़ी फ्राई करेंगे, पहले हम इसको ऐसे करेंगे। फिर अब इसी को हम फ्राई कर देंगे। अच्छे से तो मैं अच्छे से कर लीजिए, हम इसको निकाल देंगे। इसी को हम पीस करें बड़े बड़े, है ना, इसमें कढ़ाई में बड़े बड़े पीस करना। ऐसे ही हम इसमें थोड़ा सा तेल और लेकर एक लौंग डाल दी और एक इलायची डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इलायची डालेंगे छोटे से। लौंग डालेंगे इसमें जीरा, वैसे तो हमने ये फ्राई करके पीसी थी तो हम इसी में डाल देंगे मसाला।
panir masala. Tandoori roti. Kalau aku minta sedikit pasang lagi, kalau aku minta komen silahkan jalur. Oke, thank you guys.